सो गाइस, आधे से ज़्यादा सामान जो है खाली हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पूरा कमरा जो है खाली हो चुका है और बस अब बेड रह गया है। आप देख सकते हैं पूरा सामान जितना भी है सब खाली हो चुका है और बस अब टीवी एसी रह गया है। ये देखिए पूरा कबाड़ जो है अभी निकाल के रखा है कार्टून में डालने के लिए, और किचन का भी ऑलमोस्ट हो गया। ये देखिए पूरा घर जो है ना खाली हो गया है। देखिए और यहाँ पे किचन का काम हो रहा है और अब फ्रिज रह गया है, किचन का काम रह गया है, आधे से ज़्यादा सब सामान। बेटा नहीं करो, पैक हो गया है। अब इनको हमें बस रखना है और लेके जाना है। चलो करते हैं फटाफट। हे गाइस, तो गुड इवनिंग, कैसे हो गाइस आप सभी। और अभी मैं चाय नाश्ता कर लिया मैंने और मैं डिनर में दाल बना रही हूँ। और तबीयत जो तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो दाल बनाऊंगी, देन रोटी, दाल रोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं है। और अभी जा रही हूँ मैं नहाने शाम को, क्योंकि मैं पूरा पैकिंग करते करते ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऑलमोस्ट देख सकते हैं सारा मतलब सब खाली हो गया, बस ज़रूरत की चीज़ें मैंने निकाली है जो रेगुलर यूज़ में हो रहे हैं, तो बस वही निकाला है, बाकी सब पैक कर दिया। पूरा घर मेरा जो है ना खाली हो चुका है, तो ये देखिए पूरा घर खाली हो चुका है। इधर भी हो गया, सब हो गया, इधर भी हो गया, सब मतलब ऑलमोस्ट सारे पैकिंग हो चुके हैं। तो ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, बस इतना ही अपडेट दे पाऊँगी आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। हेलो गाइस, चलो मैं नहा के आती हूँ, मेरा पानी गर्म हो रहा है। हटो बेटा, मैं नहा के आऊँ। एवरीवन गुड इवनिंग, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ और अभी मेरा एक टेस्ट बाकी है, बलगम का जो टेस्ट है ना वो बाकी है। और ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, तो अभी इनको सुखाने के लिए डालेंगे। और अब जो है पहले टाइमिंग कुछ और था, तो अभी टाइमिंग कुछ और हो गया है। एक्चुअली पहले हमें ध्यान नहीं था खरवास का, तो अभी खरवास स्टार्ट हो गए हैं 15 तारीख से, तो जिसकी वजह से हमें अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला है और जल्दी हो गया है। पहले हमारे पास और टाइम था, पहले हमारे पास 5 दिन का टाइम था, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है। दो तीसरे दिन तो होना ही है, तो हमें जो है शिफ्टिंग करनी पड़ेगी खरवास से पहले, नहीं तो बहुत ज़्यादा खरवास में हम नहीं कर सकते, फिर हमें 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो मैं ये कपड़े फैला लेती हूँ सूखने के लिए, उसके बाद मैं अपने थोड़ा फेस का हुलिया ठीक करूँगी। कई दिन से मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, मेरा फेस वगैरह सब ऐसे ही है। और मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़ी हद तक शिफ्टिंग जो है ना लगातार चली रहा है, पूरा घर जो है खाली हो चुका है, कवर्ड वगैरह सब मेरा खाली हो चुका है। तो चलो मैं थोड़ा सा अपना फेस सही करूँगी, क्योंकि कई दिन से मैं ऐसे ही पड़ी हूँ, मैंने अपने फेस पे ना कुछ भी नहीं किया है। मेरी हालत ऐसी मेरे को लग रही है कि मैं कितना ज़्यादा बीमार हूँ, तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है। कल मैं शाम को 6 बजे नहाई हूँ, और वो भी बहुत हिम्मत करके, क्योंकि पूरा धूल मिट्टी में सन गई थी काम करते करते। तो अभी मैंने अपने मतलब नहा लिया है और अभी मेरे को हेड वॉश करने हैं। सोच रही हूँ अभी बाल धो लूँ या मॉर्निंग में बाल धो, मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे पानी की अभी थोड़ी सी दिक्कत है, खारा पानी है वहाँ पे, तो मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे अगर मैं अभी धो लूँगी, तो मैं 1 वीक तो चला ही लूँगी। तो चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है शिफ्टिंग में, सिर्फ अब सिर्फ मेरे पास 2 दिन का टाइमिंग है शिफ्टिंग के लिए। तो चलो फटाफट मैं अपने इन कपड़ों को फैला लेती हूँ, उसके बाद बाकी अपने घर के काम करूँगी। हटो बेटा।
ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, अब बस ये वाला रैक रह गया है। और ये मैं कुर्सी चेयर आज ही नीचे रखवा दूंगी, तो मैं यहाँ से भी दिखा देती हूँ पूरा ऑलमोस्ट। अब बस बड़े बड़े सामान जाने हैं, ये वाला भी घर खाली है हो गया है, मैं बस पर्दे उतारूंगी। और जितने भी रैक वगैरह थे ना सब खाली हो गया, देख सकते हैं, मतलब अब किसी में भी कुछ नहीं बचा है, सब ऑलमोस्ट खाली कर चुकी हूँ मैं, बस डब्बे डब्बी सब खाली कर चुकी हूँ, जितने भी अलमारी है ना सब खाली कर चुकी हूँ। और अब बस मुझे वो नीचे वाला खाली करना है और बाकी सब हो गया है। ये खटिया नीचे आज मैं पहुँचा दूँगी, खुद से ही पहुँचा दूँगी दोनों कमरों का खटिया, क्योंकि एक कमरे का खटिया जो है ना ठीक करवाना है। तो इसमें भी दिखा देती हूँ मैं आपको, अभी पर्दे उतरवाऊँगी मैं। और देख सकते हैं सारी गठरी वठरी सब पैक हो चुकी है और बस अब छोटे मोटे सामान रह गए हैं, तो इनको मैं अभी कर लेती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अब बस मेरे पास आज का ही दिन है एंड कल का दिन है, और ये जितने भी कबाड़ है ना इनको फेंकना है मुझे। तो अब मैं देखूँगी कि क्या कुछ कबाड़ है और क्या कुछ जो है रखना है। तो एक ये कूलर है, तो देखती हूँ एक रूम में कूलर भी लगेगा मेरे। और ये सारा सामान हो गया है, तो पैकिंग सारा ऑलमोस्ट डन है, बस अब जाने की देरी है। तो चलो करते हैं फटाफट पैकिंग। तो गाइज हम रूम देखने के लिए आए हैं, तो अभी यहाँ पे जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी कुछ ऐसा हाल है। बाप रे, सब सफाई तो बहुत ज़्यादा मांग रही है। अभी ये भी शावर वगैरह भी लगना बाकी है ना, क्या कुछ काम हो गया है। ठीक, पेंट मारेंगे ना किसी, अभी पेंट मारेंगे और यहाँ पे शीशा लगेगा। ये लोहा ऐसा क्यों दिख रहा है भैया, मुरझा मुरझा सा। अभी पेंट होगा क्या इसमें? ऑयल पेंट होगा ना, तो पेंट तो सूखने में टाइम लगेगा। नहीं, वो उसके लिए धूप में धूप मिल जाए बस। और इसमें ये व्हाइट पेंट ही रहेगा कि और कोई मतलब वॉलपेपर वगैरह? व्हाइट ही रहेगा, बस व्हाइट ही रहेगा। अभी तो लाइट कटी हुई है। अच्छा, लाइट कटी हुई है। बाथरूम का भी, बाप रे अभी तो बहुत काम मांग रहा है ये तो। बस आज सफाई हो जाएगी, आज हो जाएगा काम कंप्लीट ना? कंप्लीट हो जाएगा। अभी लाइट कटी हुई है ना, ये वाला, ये अरे क्या है ये, पेंट वगैरह सब तो हो गया है, वाइट पेंट ही होगा, बाद में देखेंगे इस दीवार पे कोई कलर कराना होगा तो एक पेंट करा देंगे, है ना, सिंगल कलर। लेकिन इसमें भी एक अलमारी निकलवाना चाहिए था। एक ही रूम है अलमारी, देखो भाभी कह रही थी ना छोटा छोटा रूम है, छोटा रूम है ये। बालकनी, बालकनी के हिसाब से देखो रूम कितना, यहाँ से देखोगे तो काफ़ी स्पेस है। वो गैलरी आ गया है, अभी ये आज तो होना चाहिए ना। अभी भैया ये सब कब लग जाएगा, ये खिड़की विरकी इसका नहीं पता, क्या नाम है उनका, राहुल लवली। ये किचन कंप्लीट है, अलमारी है, ये पूरा कंप्लीट हो रहा था, टाइम लगेगी ना, जब ये दिखेंगे बहुत मस्त लगेगा, साफ सफाई कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अभी हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं लगा है, अभी हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं लगा। जल्दबाजी कर रहे तुम लोग, थोड़ा टाइम दे दो इनको। नहीं नहीं जल्दबाजी नहीं है, खरवास शुरू हो जाएगा ना, खरवास शुरू हो जाएगा ना।
15 तारीख से फिर शिफ्टिंग नहीं कर सकते फिर उसको अरे जब हमारे थे ना एकदम चमक रहा था ये अभी काम तेजी से हुआ है ना इसलिए ऐसा लग रहा है। लाओ गंगा जल दे दो हमें पकड़ो फोन अभी मत करो तो बस रखेंगे अभी अपने घर से ही आ रही हूँ और अभी बहुत सारे काम बाकी है बहुत सारे काम पेंडिंग रह रहे हैं। अभी किचन का एक मैंने देखा हुक भी टूटा हुआ है तो साफ़ सफाई शाम तक हो जाएगी ताकि हम जो है अर्ली मॉर्निंग में ना शिफ्टिंग कर सकें और अभी बहुत सारा काम बाकी है तो एक बार पहले शिफ्ट हो जाए ना तो उसके बाद काम चलता रहेगा क्योंकि अभी 15 तारीख को खरवास शुरू हो गया खरवास में हम शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। हमें एकदम से पता चला जब हम पंडित के पास पूजा के लिए डेट निकलवाने गए थे ना तभी हमें पता चला कि अभी खरवास शुरू हो गया अभी हम पूजा पाठ वगैरह नवरात्रि में ही कर सकते हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने आज इसीलिए गंगा जल छिड़क दिया है ताकि एक शुद्धि हो जाए बाकी छोटा सा घर में जब हम अपना मंदिर शिफ्ट करेंगे तो हम पूजा कर लेंगे बाकी जो मेन पूजा है ना वो नवरात्रि में ही होगा जो पूजा हवन होती है ना वो हम नवरात्रि में ही करवा सकते हैं अभी तो हम करवा नहीं सकते हैं। तो अभी तो थोड़ा बहुत किचन का काम रह गया है वो बाद में होता रहेगा अभी अगर आप नहीं देखते हो ना तो कारीगर भी बहुत ढीले ढीले काम करते हैं। तो चलो हम तो बस आज मैं और मेरी सिस्टर आए हैं सुबह सुबह एक बार फाइनल देखने के लिए कि हो गया कि नहीं अभी अभी दरवाजे वगैरह सब पेंट हो रहे हैं सब पेंटिंग के काम भी अभी बहुत सारे बाकी हैं। देखो आई होप मैंने बोल दिया कि अच्छे से साफ़ सफाई करके दे दे तो चलो घर चलते हैं उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। और दो दिन से इन्हीं सब चक्करों में ना कोई वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि पता है कि कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो बनवा रहे हो ले रहे हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान भी देना पड़ता है देखना भी पड़ता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है। तो चलो इधर का तो सब फाइनल हो गया है हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका है घर का कोई टेंशन नहीं है हम सब मिल के आपस में ही सारा पैकिंग कर डाले हैं हमने और बस अब कोई आएगा अभी बहुत लग रही है और हम दोनों अभी घर जा रहे हैं उसके बाद घर पहुंच के फिर आप लोगों को जो कोई भी अपडेट होगा ना आप लोगों को आप लोगों ने बोला था अपडेट देते रहना तो अपडेट देती रहूँगी। चलो गाइस बाय बाय हमारा रिक्शा भी आ गया मास्क निकाल कर फिर से पीओगी सब काम का निकल गया बस एक ही तो बचा है।